तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि DRDO कैप्टन का जो एडमिट कार्ड आया वो सर हम लोग मोबाइल से कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका एडमिट कार्ड जो है मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड नहीं हो पा रहा, लिख दे रहा है डिवाइस इज नॉट अलाउडेड। और इसी चीज़ को हम आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाने वाले हैं कि आप किस तरह से DRDO का एडमिट कार्ड अपने मोबाइल से ही खुद डाउनलोड कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ला देंगे सब्सक्राइब बटन कर दीजिए क्लिक, और बगल में बेल के आइकन को भी कर लीजिए प्रेस ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम टाइम पर मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दें कि इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर यूज करना होगा या मोजिला फायरफॉक्स जो ओपेरा मिनी, इस तरह से जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो उसे यूज करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसमें डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन आता है उसे यूज करना है। हालांकि आप क्रोम ब्राउजर की यूज कर बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसी तरह हम रोटेट करेंगे यही वेबसाइट्स हैं जो कि हमने सर्च कर रखा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर हम आपको कुछ बता दें कि यहाँ पर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होना जो स्टार्ट हुआ है 4 तारीख से हुआ है 2011, और लास्ट जो डेट है 23 तक है। और एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पर एंटर करना होगा, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके बाद में ये कैप्चा को फिल करना होगा। ध्यान रखना है कि ये चीज़ आप सोच रहे होंगे कि मेरे मोबाइल में कैसे आ गया, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको यहाँ से रोटेट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर रोशन लॉक का, इसको आपको बंद कर देना है और इसे रोटेट कर लेना है। जब रोटेट करोगे तो ये इस तरह से खुल जाता है, और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को हटा देता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिख रहा है योर डिवाइस इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेस, और यहाँ पर कुछ सर्वर एरर आ गया। इसे हम इस तरह से आप डेस्कटॉप वर्जन यहाँ सेलेक्ट करोगे डेस्कटॉप साइट को तो बखुदी वह आ जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करना है ऐसे डेस्कटॉप साइट को लेकर के, इस तरह से देख पा रहे होंगे कि यह खुल चुका है। और हम आपको अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अभी खुद दिखाएंगे। चलिए हम अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर मैंने पहले से यहाँ पर एंटर किया रखा था इसलिए ये आ गया है, यहाँ पर DOB हमने एंटर कर लिया है। इसके बाद में कैप्चा को हमको फिल कर लेना है। चलिए कैप्चा को यहाँ पर हम फिल कर दें, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से हमको डालना है। 5 2 small W H और N, इस तरह से डालने के बाद में आपको यहाँ पर सीधे आना है लॉगिन के बटन पे। लॉगिन पर जो ही आप क्लिक करोगे तो देख पा रहे होंगे कि ये एडमिट कार्ड इस तरह से आ चुका है। प्रवेश पत्र आप देख सकते हैं, इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे सेव करने के लिए थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पर इस साइड में आपको दिख रहा होगा क्लिक टू प्रिंट का ऑप्शन, इस क्लिक टू प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके मोबाइल फ़ोन का जो या सेव एज PDF यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सेव एज PDF यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल फ़ोन से प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज PDF को सिलेक्ट कर लेना है, और देख रहे होंगे कि इस तरह से यह तीनों पेज यहाँ पर हाजिर है, और यहाँ पर PDF पर क्लिक करके इसे आपको सेव कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करते रहिए ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।